योजना क्या थी? हिम केयर योजना में किसी हर्निए का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था, तो कई जगह ऐसी खबरें मिली है, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1,00,000 का बिल बन जाता था। हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिम केयर को जारी रखा गया है। तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया? ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। 1,000 करोड़ में से सिर्फ 550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, सीधा कार्ड बनता था, जो होता था लिख दिया जाता था, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। इसलिए हमने हिम केयर को निजी हॉस्पिटल में बंद किया है और हमने कहा कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं, उनको हम रिफंड देते हैं, तो उनको हिम केयर में लाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुधार किया गया है हिम केयर में और थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन किया गया। सर आपदा हिम केयर के कार्ड हमने बंद नहीं किए। हिम केयर योजना क्या थी? हिम केयर योजना में किसी हर्निए का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था, तो कई जगह ऐसी खबरें मिली है, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1,00,000 का बिल बन जाता था। हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिम केयर को जारी रखा गया है। तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया? ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। 1,000 करोड़ में से सिर्फ 550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, सीधा कार्ड बनता था, जो होता था लिख दिया जाता था, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। इसलिए हमने हिम केयर को निजी हॉस्पिटल में बंद किया है और हमने कहा कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं, उनको हम रिफंड देते हैं, तो उनको हिम केयर में लाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुधार किया गया है हिम केयर में और थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन किया गया। सर आपदा हिम केयर के कार्ड हमने बंद नहीं किए। हिम केयर योजना क्या थी? हिम केयर योजना में